अननोन तरीके से ये पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं मुलाकात हुई और उनके बारे में पता लगा। बहुत शाही भी है मनीष जी, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन अचानक किसी सिलसिले में बातचीत हुई और तब पता लगा कि असली साइबर मैन का टाइटल इनको ही मिला हुआ है। और पास रहते हुए मुझे नहीं मालूम कि साइबर मैन असली साइबर मैन यही है, तो थॉट वहाँ से आया। आज की डेट में हम ये सब जानते हैं या सुनते हैं कि हिंदुस्तान का हर चौथा आदमी आज साइबर फ्रॉड से जो है मतलब फेस कर रहा है, और अलग अलग तरीक़ों से जो है वो फ्रॉड होते हैं और लोग परेशान हैं। लेकिन उस सब के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया मनीष जी ने, वो एक इनकी अपने आप के थ्रिल स्टोरी सुन सकते हैं कि वो थ्रिलर टाइप की वो लाइफ में फिर किसी दूसरी। तब हमें आइडिया आया कि ये काम क्योंकि पब्लिक में आना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, बिना अवेयरनेस के जो है साइबर क्राइम को रोका नहीं जा सकता, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत लोग ऐसे ऑफिसर्स और लोग आम आदमी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको रोका जाए और अवेयरनेस की जाए, जिससे कि लोग समझ सके। तो दिन वन बाई वन मिलते जाते हैं, लोगों का कारोबार होता जाता है। तो मनीष जी के साथ में हाथ ज्वाइन किया और दिन फिर इसको टीम के साथ काम शुरू किया, और राकेश जी जो हमारे बहुत पुराने हमारे सीनियर भी हैं, तो उन्हीं भारत में कमान दी गई। ये सरप्राइज था मेरे लिए कि एशले बस कमिंग इन दुबई। तो लास्ट मंथ में दुबई में था, किसी को रेट के सिलसिले में गया हुआ था, और सडनली 22nd को उनकी बर्थडे होती है, तो उस बर्थडे में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और साथ में शेयर किया, कुछ फीलिंग्स शेयर किए, उनके एक्सपीरियंस शेयर किए। फिर वहीं से माइंड में आया कि क्यों ना अब तक हिंदुस्तान में बॉलीवुड में बहुत ही ब्यूटीज को जो है दिलों में बैठा रहा है, पब्लिक ने उठाया है, सबको उठाया है, और लोगों को शेयर किया जाए इसको भी, और उसमें टैलेंट है। अब ये तो यहाँ पर आने के बाद ये डिसाइड कर लेकर नहीं है, तो वन ऑफ द लीड कैरेक्टर के लिए और ये पार्ट हम खुल गए। एक मिशन है हम लोगों का ये साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट में एक मिलकर के एक मिशन हमारे तैयार किया है कि हम लोग इसमें जाएंगे और काम करेंगे, ये पार्ट होगी और हमारे साथ करेंगे आज यहाँ पर। और हमारे खास सीनियर और हमारे बहुत दिल अजीज़ डॉक्टर भाई जो ज़माने से हमारे मतलब साथ हैं, हमारे बहुत मदद की है उन्होंने इंडस्ट्री में खड़े रहने के लिए। लास्ट फिल्म में भी डॉक्टर भाई जो है बदली कैरेक्टर थे, उन्होंने अच्छे से बनाया और बहुत साथ दिया। एक और हमारे रीजन जिनको हम नहीं बोल सकते जी, सीनियर और हमारे यहाँ से गॉडफादर थे, जिसने जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, भाई की तरह काम किया उन्होंने। और अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री में होती है कि जब वो फिल्म रिलीज होने के वक्त आया तो अचानक फिल्म डेथ हो गई, क्योंकि लास्ट वक्त ओम प्रकाश अहमदाबाद के नाम से 2020 नाव। अब फिर से हिम्मत कर रहे हैं, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं तो अब कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, चाहे तो दोनों काम हो, सोशल में सोशल वर्क भी हो, पब्लिक को अवेयरनेस भी हो और एंटरटेन भी हो। बाकी आगे जो है वो राकेश जी और मनीष जी बताएंगे। थैंक यू, not only visiting India, but will be starting in a Bollywood movie. It was like making two dreams in one, so definitely it took me some time to process it and understand, wow, this is, I feel very blessed because this year has been a luxury experience for me. And I think that's something very important because in life, there's full of changes, but you have to be willing to take this to be able to build your future. So
really waiting to hear from Zaki Sir too. But before that, Tansi, I'm going to ask you, how does it feel? Namaste, India. Namaste. And I have been here for Ashley. Like, she's a very good friend of mine. Earlier, I don't know Khalid Sir, Manish Sir, and everyone. I was not aware about the movie. It was a surprise for me. And so yeah, I'm here with Ashley, and they asked me about the movie as well. So now I'm thinking for it. I will not say any words yet, but let's see and hope for the best. Ooh la la. So, well, friends of the media, already we are inviting you for the grand model, just in Monatoga, so we get to know a lot more secrets. And now, for the man, okay, this press conference, I'm really very, very eager to see. Please. कुछ चीजें सीक्रेट रहे तो ज़्यादा अच्छा थैंक यू नहीं दरअसल मैं शुक्रगुजार हूँ खालिद भाई का और बाकी तमाम लोगों का और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ इसमें क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नहीं मालूम परसों इनका फ़ोन आया तो कहने लगे कि एक ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट होगा तो आपको आना है मुझे लगा मैं शायद दोस्त हैं इसलिए बुला रहे हैं कहने लगे फोटो भेज दीजिए मैंने कहा है फोटो क्यों भेज दूँ कहते आपकी तस्वीर लगा दी मैंने कहा आप मुझे ले रहे हैं क्या फिल्म में कहते और क्या मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको फिल्म में कास्ट कर रहे हो एक एक करके अभी कुछ तो मुझे ज़रा भी नहीं मालूम स्क्रिप्ट के बारे में और मैं तो ऐसे ही घर पर बैठा हुआ तो ऐसे ही उठ के आ गया देखे इतने ब्यूटीफुल गर्ल्स हमारे बीच में इनके सामने मैं कैसा लग रहा होगा मैं सोच ऐसा तो खैर मैं आदमी ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट हमारे प्रोड्यूसर साहब को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राइटर साहब उनसे डायरेक्ट हमारा रिश्ता नहीं है लेकिन हाँ प्रोड्यूसर साहब जो हैं ये भी यूपी के हैं मैं भी यूपी का हूँ को प्रोड्यूसर भी यूपी के हैं साइबर मैन भी यूपी के हैं और अनिल साहब से अनिल नहीं राकेश जी से जो रिश्ता है वो अरीज भजवी साहब की वजह से कॉमन है मिला मैं आज हूँ उनसे परिवार लेकिन हाँ एक दूसरे का काम देखते रहते हैं करते रहते हैं जब मिलते हैं तो एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं बाकी यही है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुझे पता लगेगा मैं क्या गेम खिलाने वाला हूँ इसमें मुझे मालूम नहीं है मुझे माफ करिएगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डस सर आपका प्रेजेंस इटसेल्फ इज अ कॉमन मैन जो हमेशा यही सोचता है कि मैं क्या करूँ सबसे पहले ऐसा लगता है मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ रोऊंगी या नहीं रोऊंगी क्योंकि रोने में भी उसे ये लगता है कि मेरे अपने मजाक बनाएंगे कि यार ये तो हमारी फैमिली में सबसे बड़ा था हम इसी से एडवाइस देते थे और इसी का पैसा निकल गया कि यही स्कैम में फंस गया तो क्या होगा तो इसलिए वो ज़्यादातर लोग आजकल शेयर नहीं करता इसको मैं दो लाइनों में ऐसे बताना चाहूँगा कि आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर के पीछे भागता है लेकिन लाइक और शेयर की दूसरी डेफिनेशन भी है लाइक को लोग समझते थे ना जिससे पहले लोग चिढ़ते थे आज उससे खुश होते हैं कि भूलना दिखाया मतलब वो हमें लाइक कर रहे और शेयर का मतलब होता है आगे फॉरवर्ड कर रहे एक मतलब और भी है लाइक का मतलब होता है जो अच्छा होता है हम उसे लाइक करते हैं और जो हमें यहाँ अच्छा लगता है उसे हम शेयर करते हैं दैट्स मीन कि यदि आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करिए आपके अपने आपके पास बैठे होते हैं दूर नहीं बैठे होते हैं और आप उन्हीं से छुपाते हैं और एक कॉमन मैन की सोच कि जो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ अगर स्कैम हो रहा है तो पुलिस मीडिया या राजनीतिक लोग हमारी वही मदद कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि देश के लिए किसी वर्दी की ज़रूरत नहीं है आप जिस लिबास में जहाँ खड़े होते हैं देश के लिए कार्य कर सकते हैं बारे में काफ़ी कुछ आपको पता लग गया है और जैसा कि टाइटल है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है बट मैं अपनी फीलिंग अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे जिस वक्त उन्होंने एक आइडिया बताया खालिद भाई ने
अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर एक सोशल मैसेज है, और जब भी किसी के साथ में साइबर क्राइम का कोई भी शिकार होता है तो वाकई वो बहुत हेल्पलेस होता है, उसको नहीं पता होता है कि अब मैं क्या करूं और कहां ढूंढूं अपना पैसा। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बहुत सारी चीज़ें हम फिल्म के ज़रिए बताना चाहते हैं आम पब्लिक को कि उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं और वन बाय वन हम ऑडियंस को कैसे वो चीज़ें बताते हैं। हालांकि खालिद भाई और हम लोग पिछले 2 साल से 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट्स उनके थे, कुछ मेरे पास थे, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ से हमको शुरू करना है, और वो चीज़ मनीष जी ने सॉल्व कर दी। जब उन्होंने वो कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे लगा कि यार ये माइंड ब्लोइंग, इसके ऊपर हमको को ऐड करना चाहिए। एंड आई थिंक आज जो हम लोग सब मिले हैं वो सिर्फ अनाउंसमेंट के मिले हैं, उनके लिए मिले हैं, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि स्टोरी के बारे में कुछ भी बोलना इट विल बी टू अर्ली। सो थैंक्स फॉर कमिंग, एंड बस आप लोगों की सबकी हमको ब्लेसिंग्स चाहिए कि एक अच्छी फिल्म हम लोग बना सकें और जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो क्लियर कट हम कन्वे कर पाएँ। Thank you so much. Thanks to you, Rakesh. We truly look forward to, ladies and gentlemen, the grand announcement of Cyberman this evening. It's time for us to thank each and every one of you for joining us here. And now we shall be open to the questions from the media. Should we be open, Khalidji? So, aapko microphone de kiya. Aise puche, should we have a microphone for the media, please? Sure. Himanshu ji, I want to request Himanshu ji, how do we go about? इसका नाम क्या है प्रमोद का? नीचे कर, पागल है क्या? Bollywood, I've been able to see in the past a few of the movies, and I love how you mix your culture, your music in it. And I said, I'm always like acting career, so this was a special, very important moment for me because I was able to do home. So it started on my birthday. Right now we are currently working on a character that is Please. That's something that I always meant to be played. And yes, I love romantic movies. I love action movies. So basically, I love those areas to work on. Thank you so much. Sir, mera question aapse hai. Main Hind Samarthan se Shibir Ram bol raha. Abhi aapne kaha ki jo cyber crime hota hai, तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पर, और वो लाइक और शेयर का मतलब कुछ और समझ लेती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें जो पेरेंट्स हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि वो किस सोशल मीडिया ऐप पर कौन सा गेम खेल रहे हैं, किसे लाइक कर रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं, क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? देखिए, सबसे पहले आजकल का जो हमारी अगली पीढ़ी है ना, वो हमसे अलग एडवांस, छोटे छोटे बच्चे भी है ना, मतलब ऐसे लॉक लगा देते हैं कि अब माँ बाप नहीं खेल पाते। पहले माँ बाप लगा देते हैं, बच्चे लगा देते हैं, वो ऐसे ऐसी ऐप्स डाउनलोड कर देते हैं कि माँ बाप को नहीं पता लगती। इनफैक्ट अगर थोड़ी देर के लिए उनके पास मोबाइल भी जाता है तो वो डाउनलोड करते हैं कोई भी गेम और उसके बाद इंस्टॉल भी कर देते हैं, पता ही नहीं है ना। लेकिन ये पता नहीं कि आपके मोबाइल के साथ क्या हुआ। कहने का मतलब, कुछ आजकल के कुछ यूथ के लिए भी एक मैसेज बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग ज़्यादा काम करते करते थक जाते हैं तो अपने टैलेंट का मिस यूज़ करने लगते हैं। तो मेरा उनके लिए बस एक छोटा सा एक मैं उनको कहना चाहूँगा कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि किस दिशा में कर रहे हैं। यानी कि दिन रात काम तो दीमक भी करती है पर वो विकास का नहीं दिशा। तो सर, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसको आपने शुभारम्भ किया है, तो इसमें इस चीज़ पर फोकस किया गया है? सर, हर चीज़ पर फोकस। 4 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का, सबको ध्यान में रखते हुए 70 साल में, मतलब एक इंडिकेट नहीं करना चाहूँगा, मैं रहूँगा 100 ईयर्स के मिसाल तक के लिए है, क्योंकि जो जैसे एज में है वो उस तरीके के ट्रैप में फंसता है।
जो हमारी 70 साल वाली पीढ़ी है उनको बस कीबोर्ड वाला मोबाइल आता है ना, लेकिन वो भी ट्रैप में फंस गए। एक 4 साल का बच्चा, लोगों ने देखा था वीडियो मिल गया, वो छत पे आके कूद रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसको भी कोशिश करेंगे कि वो मतलब जो आगे बढ़ रहा है ना वो उसको भी पता हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सकता हूँ। इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा आपका मिशन। Actually, do you think belonging to the fashion field and then getting the Miss Global title, it's an easy way to get into the Bollywood industry? To be honest, no, because they're two different type of areas and careers. But definitely, I am a person that feels that the destiny is the way up. Teaching you where you're gonna go. So yes, of course, it might be able to help a little because in being Miss Global, I'm able to be more seen, maybe notice. But again, I think everything has I have to be honored with because of the destiny, because it's the one that I'm here. Choose India, the country. What are the things you like about India? I would say the people, definitely after being here, the food, and obviously very beautiful networks that has been traveling around the world, and even me that comes from a small island, I was able to know about Indian story and culture, and that was something that for me, it took me 11 years to get here, but again, the destiny brought me here. I think it was supposed to happen, so that's why we're here. जी आपने कहा कि आप इनको दुबई में मिले और ये शायद आपको एक ही नज़र में भा गई, आपके किरदार के लिए ऑब्वियसली तो शी वाज योर फर्स्ट चॉइस। आपके आप कह रहे किरदार पता नहीं, लेकिन जो इन्होंने क्लिपिंग दिखाई है उसमें आपने 3 स्टार वाली पुलिस की वर्दी पहनी है, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। कल ही बताया है ना मुझे, मैंने भी कह रही पुलिस की ड्रेस में कोई वो है क्या पिक्चर, मैंने नहीं है, तो मुझे याद आया शायद एक आध हो तो आईपीएस की ड्रेस में थी, तो कह लगी ये तो चलेगी नहीं, तो मैंने कहा मत छापो मेरा फोटो, तो कहने लगे कि नहीं ऐसा, तो अब उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ बनाया है। मुझे डर ये है कि फिल्में भी ऐसे ना कर ले, मुझे बिना बुलाए कैरेक्टर करवा ले किसी और से, चेहरा मेरा लगा ले तो गड़बड़ हो जाएगी क्या। हाँ जी, मैं
देखते हैं तो एक्चुअली मैं तो इनसे बात कर रहा था किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, इन्होंने ये बना दिया हाथ में, तो चलो भी ये तो रास्ते की बात है कि जैसा जैसा, क्योंकि एक फिल्म हम साथ में कर चुके हैं ओम प्रकाश जिंदाबाद, ओम जी को याद करते हुए उनको नमन करता हूँ मैं। हमारे सीनियर बहुत सीनियर थे नसीब भाई और ओम जी एक ही बैच के नसीब के, तो देखिए मजा आएगा, कुछ काफी अच्छा सा महसूस हो रहा है। राकेश जी आपसे मेरा सवाल है, आप अनिश जी के साथ काम कर चुके हैं, वो तो स्पॉन्टेनियस में भी काफी अच्छे दोस्त हैं, वो तो स्पॉन्टेनियस चेंजेस करते हैं और कॉमेडी ज्यादा करते हैं, ये तो सीरियस से बने हैं, कैसे जमाइएगा?
थोड़े रियल कैरेक्टर जो है वो मनीष जी को है, इनका अपना एक एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस जब इनके साथ में ये हुआ नियर अबाउट इनको 10 मंथ्स लगे उस तक पहुंचने में, तो इट्स अ रियल नहीं नहीं अभी इट विल बी टू अर्ली टू रिवील द स्टोरी ऑफ द फिल्म दैट इंसिडेंट से तो मैं बस वही लगे उस समय का इंतजार तो नहीं वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू करीम इस दिन ग्रुप हो चुके हैं चेक चेक